कौन है ऋषभ जी? शैंपेन बॉटल। ओह वाह, आपने शैंपेन ऑर्डर किए? दैट मींस आप लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करना है, करण जेल से छूट गया है, यही बात है ना आंटी? मुझे रिलैक्स, ये तुम्हारे घर पे ऑर्डर हुई है। दैट्स नॉट पॉसिबल। पॉसिबल मतलब बाहर डिलीवरी बॉय खड़ा है। हाँ ये मेरा ही एड्रेस है, लेकिन मैंने कोई शैंपेन ऑर्डर नहीं की। शायद जिसने ऑर्डर की होगी ना उसने गलत एड्रेस दे दिया होगा। लेट मी जस्ट चेक। भैया ये हमारा ऑर्डर नहीं, और नेक्स्ट टाइम एड्रेस चेक करके आना। मैम पूरा ये ऑर्डर तो आपका था। नहीं वो एक्चुअली किसी और का ऑर्डर था, वो गलती से यहाँ पे ले आया। आंटी जी आज आप दोनों यहाँ पे आए मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, अब मैं ठीक हूँ, आप अपना ध्यान रखिए। मॉम चलें? चलते। अपना ध्यान रखना बेटा। जी सास के यहाँ जा रहे, सबसे माफी मांग रहे। अरे दीप क्यों खुद की इंसल्ट करवाने जा रहे हो यार? आपको पता ना वो लोग कितने रूड है, स्पेशली वो करीना मैम और वो शर्लिन, दूसरों की इंसल्ट करने के लिए बने हैं वो लोग। क्या कुछ नहीं कहा उन लोगों ने आपको, आपका पेट नहीं भरा क्या? एक काम करो आप, है ना माँ से झूठ बोल दो कि आपने लूथरा से माफी मांग ली और उन लोगों ने आपको माफ भी कर दिया। मम्मा ना सीधी साधी ये मान भी जाएंगी और उन लोगों से क्रॉस चेक भी नहीं करेंगी कि प्रीता ने माफी मांगी कि नहीं माफी मांगी, यू नो। अच्छा तो माँ मुझसे पूछे तो उन्हें झूठ बोल दो, और ये जो मेरी आंखें हैं मेरे खिलाफ गवाही नहीं दे देंगी? तो पागल हो गई है सृष्टि, मैंने पहले ही माँ को इतना दुख पहुंचाया है, मैं और दुखी नहीं कर सकती उन्हें। और ठीक ही तो कहती है माँ, सारी मेरी गलती है तो माफी मांगने में क्या बुराई है, मैं सच्चे दिल से सबसे जाकर माफी मांग लूंगी। दी क्या मैं चलूं आपके साथ? नहीं सृष्टि, ये मेरी लड़ाई है, मुझे को लड़ने दे।